नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जो आप लोग ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, ये ब्लॉग मैंने काफी ज्यादा पार्ट में बनाया हुआ है, यानी कि ये ब्लॉग मैं ना कई दिनों से बनाया हुआ है। मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एक ब्लॉग डालूं, बट कई दिनों से मेरे पास छोटी छोटी क्लिप्स मेरी पड़ी हुई थी ब्लॉग्स की। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ब्लॉग पूरा अपना बनाऊं, कंटिन्यू करूं ब्लॉग, बट नहीं हो पाता था कंटिन्यू। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बनाने का, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है जिसके बाद हमारा मतलब छोड़ो क्या ही बोलूं मैं। तो इसलिए बीच वीडियोस पड़े हुए थे, मैं शूट करती थी वीडियोस को। तो मैंने सोचा यार ये वीडियो मेरी खराब हो जाएंगी जब मैंने इतने मन से शूट की है, तो क्यों ना मैं इन सारी क्लिप्स को एक करके आप सभी लोगों के सामने एक ब्लॉग लेके आऊँ। तो कई दिन मैंने बनाई, कभी मैंने छोटी क्लिप बनाई, कभी मैंने अपना आधा रूटीन दिखाया, कभी मैंने अपना आफ्टरनून से इवनिंग तक का रूटीन दिखाया, कभी मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का रूटीन दिखाया। तो छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो मैं आप सबको इस वीडियो में आगे दिखाने जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे। और फिलहाल मेरे ब्लॉग्स अभी तो कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी मन से मेरे अंदर जो मन से इच्छा ही नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाऊं। होता है ना कि लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आ जाता है कि आदमी एकदम निराश हो जाता है। अभी बिल्कुल भी मन अंदर से मन ये नहीं हो रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊं या फिर आप सभी लोगों के सामने अपने रूटीन्स वीडियो लेके आऊं, बिल्कुल भी मन नहीं है। और मन मूड भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों के सामने रूटीन वीडियोज नहीं लेके आ रही हूँ। कई दिनों बाद मेरा ये ब्लॉग आ रहा है, और ये ब्लॉग भी मेरा एक दिन का नहीं है बल्कि कई दिनों का ब्लॉग है, जिससे कि मैंने मैशअप करके आप सभी लोगों के सामने मैं लेके आ रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, आप लोग देखिए मेरा आगे। शिवांश, आज मैं शिवांश की गाड़ी बैठी हूँ, और शिवांश मुझे दे रहा है क्या धक्का दे रहा है ना, और शिवांश की नोजी पे ना आई हो गई, क्योंकि ये कल यहाँ दो तीन दिन पहले ये यहाँ रोड में गिरा था, तो उसकी यहाँ पे थोड़ी सी चोट लग गई है ना। शिवांश आई हो रही ना बेटा, कोई नहीं दवाई लगा के ठीक हो जाए। चलो ताई को धक्का दो, मैं मोड़ती हूँ पहले इसको। हाँ फिर हमने गाड़ी मोड़ ली, शिवान धक्का मारा, शिवान देखो 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 मेरे को बोल, शिवान सुबह ताई को मोड़ना, तो ताई गिर गई बोलती है गाड़ी टेढ़ मेढ़ रही। शिवांश धक्का मार रहा है, शिवांश धक्का मार रहा है, शिवांश की गाड़ी का पहिया क्या होता है, हैंडल टूट गया, पहिया नहीं हैंडल। ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे चले गोलू, ऐसे चले नहीं जाना ना, ऐसे डर लग रहा ना, नीचे नीचे उतार लो इसको नीचे, चलो शिवांश के खिलौने हैं गोलू, गोलू किसके हैं खिलौने सारे, ए गोलू शिवांश ये देख, मुझे नहीं पता इधर मंदिर कहाँ है, ये देखियो शिवांश ये देख, डांस कर दे गोलू थोड़ा सा, गोल थोड़ा डांस कर, खड़ा होके ए बी लगाओ, शिवांश लगाओ, तो मामा क्या, ए, सी ठंडी लग जाएगी, जाटू आएगा, जाटू पता है। तो ये कौन सा मिटेगा, इनको कौन सा मिटेगा, रखो इनको, ये रखो सब रखो, इधर आओ इधर आओ जल्दी, थोड़ा डांस दिखाए, चल दिखा देना गोल डांस, थोड़ी डांस देख सिद्धू भैया का डांस देख, वहाँ नाच दे थोड़ा, कमर कैसे लाते, बोलो बोलो याने शिवांश भाई तो दिखा दे ना डांस, अरे हमारे गुरु का डांस है, कहाँ जा रहा गोलू, हैं गोलू शिवांश ये देख ये है तेरा फोन, यहाँ चार्ज हो रहा है इधर, बस ये देखो ये है तेरा फोन, ये भी जा रहे हैं गोलू, ताऊ जी तो जा रहे हैं, न्यू ड्रेस गोलू, नानू के घर जा रहे
तेरी ड्रेस पुरानी है यार, तेरी ड्रेस पुरानी है, देख रहा नई ड्रेस। अरे वो दिखा रहे गोलू, नहीं बोल ताऊ जी मेरी तो अच्छी ड्रेस है, आपसे बोल जीवांश। हल्ला पीछे पड़ गया वो आपके, अब मैं भी जाऊंगा। ओ गोलू The next day. है गुड़गांव की ठंड, आज है सोमवार, सोमवार के दिन ऐसी ठंड यहाँ पे है। देखिए अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, सुबह सुबह का टाइम है। तो दोस्तों आज है सोमवार, मैं अभी जा रही हूँ मंदिर। ये देखिए धुंध, देखिए आप, यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है ना आज, मतलब -2 degrees है आज यहाँ पे, और इतनी भयंकर ठंड है मतलब दिख ही नहीं रहा आगे। अभी तो 9:30 हो रही है सुबह की, फिर भी ऐसा हाल है यहाँ पे। सुबह तो इससे भी बुरा हाल था, अभी थोड़ा बहुत तो दिख रहा है बट सुबह तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मंदिर के सामने पहुंच चुकी हूँ मैं, ये है मंदिर गौरी शंकर मंदिर। तो दोस्तों पीछे आप लोग धुंध देख सकते हैं, बहुत ही भयंकर धुंध है, मतलब जैसे कि आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ठंड है। और अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ, पूजा पाठ मैंने कर ली है मंदिर में, आके पूजा मैंने कर ली है, आज मेरा फास्ट है, सोमवार का मैं व्रत रखती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ क्योंकि, तो गाइस आज है बुधवार और आज हमारी मॉर्निंग में क्लास नहीं थी, तो जस्ट मैं अपनी क्लास गई थी अभी शाम के 4 बजे मेरी क्लास गई थी, और अभी 5:30 हो रही है, आधा घंटा हो गया मुझे वॉक करते करते, क्योंकि 4 से 5 क्लास थी। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आ रही हूँ मैं, जैसे मैंने बता दिया मॉर्निंग में क्लास नहीं थी आज, तो इस वजह से मैम ने बोला कि तुम 4 बजे वाले ग्रुप में आ जाओ, तो हम 4 बजे वाले ग्रुप में आ गए आज। और अभी मैंने सोचा कि यार घर जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा वॉक कर लूं। लेकिन कपड़े मैंने इस तरीके के पहने, ये जिम वियर जो होते हैं वो पहने, और ठंड बहुत भयंकर लग रही है क्योंकि इनमें ना ऐसी हवा घुसती है अंदर, क्या ही बोलें, बिल्कुल ही पतले कपड़े होते हैं ना एकदम से। तो अभी सीधा घर की ओर चलती हूँ, आधा घंटा हो ही गया वॉक करके, अब सीधा घर की तरफ चलते हैं और थोड़ा नहाते धोते हैं, फिर खाना पीना बनाते हैं। कई दिनों से मैं वीडियो बना ही जा रही हूँ, जो कि मैंने अलग 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 बना रही हूँ, पता नहीं कब मैं सब वीडियो को एक मैशअप करके आप लोग के सामने लाऊंगी। तो चलो अब चलते हैं घर की ओर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज है 13, तो अभी हो रही है सुबह की 10:30 और मैं जा रही हूँ वर्कआउट के लिए। आजकल मेरा ऐसा ही हो रहा है वर्कआउट, मतलब कंफर्म नहीं है कि किस टाइम पे जाना है, कभी आगे हो जा रहा है, कभी कभी मॉर्निंग में हो रहा है, कभी आफ्टरनून में हो रहा है, कभी इवनिंग में हो रहा है। तो अभी मैं अभी जा रही हूँ, यानी कि 10:30 जा रही हूँ, और मैं यहाँ पे करीब दोस्तों बैठ पीछे से आ गई है, और आज है लोहरी, तो आप सभी लोगों को लोहरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वैसे तो मैम ने कल बोला था कि ऑफ है, बट आज कल रात मैम का मैसेज आया कि आप लोग स्टूडियो में आ जाओ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं।
तो दोस्तों अभी शाम की 5:30 हो रही है और आज है नेक्स्ट डे, यानी कि कल लोहड़ी था तो आज नेक्स्ट डे है उसका। तो अभी शाम की लगभग आप लगा सकते हो कि 5:30 हो रही है और हम आए हैं यहाँ न्यू कॉलोनी मोड़ पे, जो कि गुड़गांव की न्यू कॉलोनी में। यहाँ पे ना हमारा प्रेस्टीज चूल्हा, यानी कि जो इंडक्शन चूल्हा होता है, कई दिन से ख़राब तो क्या था, पानी गर्म वगैरह नहीं करता, तो हम उसको चेक कराने लेके आए थे। तो अभी पापा उसको चेक करवा रहे हैं और ये कहीं गए हुए हैं गाड़ी के काम से, तो मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ। तो दोस्तों आज देखिए आप लोग, आज यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ है, ठंड तो है बट कोहरा नहीं है आज। पता नहीं आपको शायद से इसमें दिख ही रहा होगा, बट आज फिर भी देख सकते हैं आप लोग दूर तक साफ दिखाई दे रहा है। बाकी आज हवा आ रही है तो इस वजह से ठंड लग रही है, अदरवाइज तो आज कोहरा उतना नहीं है, बिल्कुल ही साफ है मौसम, देख सकते हो आप लोग। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा जो ये आगे का वीडियो था काफ़ी अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैंने आपको आगे बता ही दिया है कि ये ब्लॉग मेरे काफ़ी दिनों पहले के हैं, शिवांश भी यहाँ पे था, अभी तो शिवांश अपने नानी के घर चले गया, लगभग 2 हफ्ते हो गए उसको। कुछ शिवांश के साथ मस्ती की थी, वो वीडियोज मैंने इसमें शेयर की हैं, और कुछ मेरे डेली रूटीन में बना रही थी वो वीडियोज भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे शेयर वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी बहुत जल्दी आपके सामने ब्लॉग लाने की, जितना मेरे से हो पाएगा या फिर मन जो करेगा। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी आपको बहुत जल्दी, बाय बाय।